हाय सुधीर चौधरी सर, ये मेरा दूसरा सार्वजनिक जवाब है। वो इसलिए कि आपने अपना अभियान को नहीं रोका है, आपने नेपाल के सगरमाथा को लेके अपना अभियान जारी रखा है। तो मैं आपको दूसरा जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि नेपाल का किसी हिस्सा को लेके आप अभियान नहीं चला सकते हैं। वो इसलिए नहीं चला सकते हैं कि सगरमाथा आपका देश का कोई अंग नहीं है। वो इस तरह जिस तरह हम नेपाली आपका ताजमहल के नाम परिवर्तन करके राम महल बना दें, ये यदि मांग करेंगे तो क्या आप स्वीकार करेंगे? हम नेपाली ये मांग करेंगे कि आपका सिक्किम दार्जिलिंग को बदल के गोरखालैंड बना दें, क्या आप स्वीकार करेंगे? जब स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको किसने हक दिया सगरमाथा को, सगरमाथा के किसी नाम को लेके परिवर्तन करने का? किसने हक दिया? क्या आपका देश का सगरमाथा है क्या? नहीं है ना। हालांकि आपने स्वयं स्वीकार कर दिया, आपने वीडियो जारी करके आपने अपना प्रोग्राम के माध्यम से ये बता दिया है कि सगरमाथा के नाम को लेके मैं अपना अभियान चला रहा हूं। लेकिन मैं ये भी जवाब देना चाहूंगा कि नाम को लेके भी आपको अभियान चलाने का हक किसने दिया? वो हक सिर्फ नेपाली को है। नेपाल के किसी हिस्सा को लेके आप भारतीय को कोई अभियान चलाना, कोई मुहिम चलाना हक नहीं है। और आप तो अपने भारत के ऊपर भी गद्दारी कर रहे हैं सुधीर चौधरी साहब। वो इसलिए गद्दारी कर रहे हैं कि राधा नाथ सिकदर आपके यहां का कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, आपके यहां का कोई राजगुरु नहीं थे, आपके यहां का कोई भगत सिंह नहीं थे। वो अंग्रेज के शासन में एक अफसर थे। अंग्रेज यानी कि जो 247 साल तक आपके देश पे राज किया, उस अंग्रेज का एक अफसर थे। तो अंग्रेज का अफसर होना तो अपने में आप में अंग्रेज होना है, ये तो मानते हैं ना आप। वो तो कोई अंग्रेज के लिए, आजादी के लिए तो कोई काम नहीं किए थे, उनको आप सम्मान देंगे। वो तो अंग्रेज के काल में अंग्रेज के साथ मिलकर काम कर रहे थे, गद्दारी कर रहे थे आपके भारत के ऊपर। उनको आप क्यों देंगे साथ, और उनको आप क्यों सम्मान देंगे? और उनके सम्मान के लिए यदि आप बोल रहे हैं तो अपने भारत में दीजिए ना। नेपाल के सगरमाथा को क्यों जोड़ेंगे आप उसमें? नेपाल का सगरमाथा आपका हिस्सा है क्या? नहीं है ना। आपको ये मेरा सार्वजनिक चुनौती है कि जिस दिन आप भारत को, यानी कि नेपाली जो भारतीय सेना में काम करते हैं, गोरखाली सेना, उसकी उसी के तहत आपका देश का सीमा भी बचा हुआ है, तो जिस दिन आप पूरा भारत को गोरखालैंड बना देंगे, जिस दिन ताजमहल को राम महल बना देंगे, उस दिन आप माउंट एवरेस्ट के नाम पे या सगरमाथा के नाम पे कोई प्रश्न उठा सकते हैं या अभियान चला सकते हैं। जब आपको हक नहीं है, जब उसमें आप में क्षमता नहीं है, तो आप किसी दूसरा के देश के पहचान को लेके मुहिम चलाने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। 1773 में शुरू हुआ था आपके यहां अंग्रेज का राज और 1947 तक चला था, यानी कि आज से 247 साल तक, 1947 लेके वहां तक अवधि को जोड़ेंगे यदि तो 247 साल होता है। तो उस अवधि में जो राज किया, उस अवधि में जो भी अफसर थे, वो तो अपने आप में अंग्रेज हो गए ना, उसको आप सम्मान क्यों देंगे? इसलिए आपको, और सिकदर साहब का जन्म 9 अक्टूबर 1813 में हुआ था। तो जब 9 अक्टूबर 1813 में हुआ था तो उसी अवधि में हुए वो, तो उनको आप सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं। और आप तो ट्यूशन पढ़ के चले गए ना हमारे प्रधानमंत्री साहब से, केपी शर्मा ओली साहब ने आपको ट्यूशन पढ़ा के भेज दिया। तो भी तो कुछ बुद्धि होना चाहिए। उन्होंने तो कह दिया कि आज का नेपाली वो नेपाली है कि किसी दूसरा देश का दासत्व को स्वीकार नहीं करता है। और आप एक भारत के नागरिक, हमारे पड़ोसी देश के नागरिक, हमारे मित्र देश के नागरिक, हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के किसी पहचान के ऊपर आप जो है अभियान चला रहे हैं जो आपको अधिकार नहीं है। इसलिए जिस तरह आप कहते हैं कि हम आज के भारत के नागरिक हैं, उसी तरह हम भी ये कहते हैं आपको कि हम आज के नेपाल के नागरिक हैं। वो वाला नेपाली नहीं जो आप देखे होंगे या जिसको आप, जिस तरह से आप ले रहे हैं। आज हम आज के नेपाल के नागरिक हैं, और आज के नेपाल के नागरिक किसी दासत्व को स्वीकार नहीं करेगा। हमारे देश का किसी पहचान को लेके आप कोई भी मुहिम नहीं चला सकते हैं। ये मैं दूसरा सार्वजनिक जवाब दे रहा हूं। मुझे लगता है इस जवाब से आपको
अकल ठिकाना आएगा। जय नेपाल।